लखनऊ में बीएससी नर्सिंग के छात्र सुधीर की छठी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। फिलहाल परिजन छात्र की आत्महत्या मामले में कोई भी वजह होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे ये नेबर है, पड़ोसी है। ये बताइए क्या आपको अभी तक जो जानकारी मिली है उसे क्या लग रहा है? नहीं, ये जो जानकारी मिली है अभी पूर्णतः पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसी जाँच होनी चाहिए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। देखिए, लड़का तो बहुत अच्छा था, सीधा था, पढ़ने में भी ब्रिलियंट था, कोई ऐसा लड़की का भी चक्कर नहीं था और लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। कभी कुछ ऐसी कभी घटना हुई हो? कभी नहीं। एकदम सीधा लड़का था। कोई मतलब नहीं किसी से। रितेश तिवारी, एरा मेडिकल कॉलेज में आज एक सुधीर पाल नामक लड़का है जो कि वहाँ पर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का छात्र था, उसकी मृत्यु हो गई है। और प्रथम दृष्टया वहाँ पर जो पता चला है कि दुर्घटना हुई है उसके साथ, लेकिन परिवार वालों से अभी हम लोगों की बात हुई है तो वो भी स्पष्ट नहीं है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी सही तथ्य निकल करके सामने आएंगे अभी जांच के दौरान जो बताया जा रहा है वो पूरा जांच में है। हमारी जांच हम लोग कर रहे हैं, जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से। परिवार ने अभी आप लोगों ने भी पूछा है, परिवार वाले जानना चाह रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई है, और जो वहाँ की संस्था है जो एरा मेडिकल की, उन लोगों से भी इनकी अभी बात नहीं हो पाई है। हम लोग भी इसको जांच कर रहे हैं, इनको भी अभी चीज़ें पता चलेंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कैसे हुआ। अभी फिलहाल ऐसा कुछ वहाँ के इंचार्ज का था, जो वहाँ पढ़ाती हैं ट्यूटर, उन्हीं का था कि आपका लड़का गिर गया है, आ जाइए। हमने कहा आ रहे हैं, फिर 10 मिनट बाद ट्रामा सेंटर भेज दिए हैं, फिर हम लोग ट्रामा सेंटर आए, उसके बाद फिर मर्चरी में आए। नहीं, वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला, सीधे यहीं आए हुए हैं। वो सीधे वहाँ से वो ऑन स्पॉट मर गया था, तो उसको सीधे यहीं भेज दिए। क्या लग रहा है क्या हुआ है? अब ये तो हॉस्पिटल ही परिसर बता सकते। क्या लग रहा है? कोई लड़के को इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, कोई बीमारी थी? कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं थी भैया। क्या लग रहा है, किसी ने कुछ कर दिया? अब ये तो हॉस्पिटल ही बता सकता। सर, वहाँ क्लास के समय था, कोई वैसा माहौल नहीं था लड़ाई झगड़े का। वहाँ 3 लड़के, बाकी सब लड़कियों का ग्रुप था वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सेकंड ईयर का मामला था, वहाँ कुछ था ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं था, किसी लड़कियों से कोई मतलब नहीं। नहीं, बहुत तेज रहा है। नाम क्या है? पीजीआई क्षेत्र के हैं, धर्मेंद्र कुमार। मवैया हॉस्पिटल वालों ने, अब वहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपका लगा था, आपसे बातचीत होती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसके बाद।